दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी को देवतुल्य माना जाता है और इसकी पूजा करने के कुछ नियम भी होते हैं। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी की पूजा भी अवश्य की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु को लगाए जाने वाले भोग में भी तुलसी को शामिल किया जाता है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं सभी को तुलसी पत्र अर्पित किया जा सकता है। साथ ही तुलसी में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। यही कारण है कि इस पौधे को लोग अपने घर आंगन में अवश्य लगाते हैं। साथ ही तुलसी के पौधे को पूजनीय मानते हुए लोग सुबह शाम इसकी पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि रोज़ सुबह तुलसी में जल देने और शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के साथ साथ सुख समृद्धि भी लाता है। शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार बताए गए हैं, जैसे श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, श्वेत या विष्णु तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। विष्णु पुराण के अनुसार रामा या श्यामा तुलसी को ही पूजनीय बताया गया है, लेकिन औषधीय गुण 5 ही प्रकार की तुलसी में मौजूद है। आइए अब वास्तु के मुताबिक जानते हैं कि रामा और श्यामा तुलसी में से घर में कौन सी तुलसी का पौधा लगाना अधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और साथ ही जानेंगे कि तुलसी को किस दिन घर में लगाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। रामा तुलसी। वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से घर में रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी का अपना अलग अलग महत्व है। वास्तु के मुताबिक घर में इन दोनों में से किसी एक को लगाया जा सकता है। जिस तुलसी के पौधे की पत्तियां हरी होती हैं उसे रामा तुलसी, भाग्यशाली तुलसी या फिर उज्जवल तुलसी के नाम से पुकारा जाता है। रामा तुलसी की पत्तियां हल्की मिठास भरी होती हैं। इस तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल पूजा पाठ में अधिक किया जाता है। साथ ही इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस तुलसी का संबंध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से भी है। श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी की पत्तियां बैंगनी या श्याम रंग की होती हैं, इस वजह से इसे श्यामा तुलसी कहा जाता है। साथ ही इसे कृष्ण तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मान्यता है कि इस तुलसी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि इस तुलसी की पत्तियां श्री कृष्ण के रंग के समान होती हैं। आयुर्वेद में भी इस तुलसी को अच्छा माना गया है, क्योंकि इसके औषधीय गुण अधिक हैं। अतः बहुत से व्यक्ति श्यामा तुलसी को भी घर में रखते हैं। अतः पूजा अर्चना के लिए रामा तुलसी का महत्व अधिक है, और औषधीय गुणों की बात करें तो श्यामा तुलसी उत्तम है। लेकिन श्यामा तुलसी की भी पूजा अर्चना का महत्व कम नहीं है, ऐसा विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको पूजा अर्चना के लिए तुलसी घर में लगानी है तो आप रामा तुलसी लगाइए, और अगर आपको पूजा अर्चना के साथ साथ औषधीय गुणों का भी लाभ लेना है तो आप श्यामा तुलसी घर में लगाइए। अब बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे को किस दिन लगाना शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्यामा या रामा तुलसी को कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को लगाना सबसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए इस शुभ दिन ही घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। वैसे आप बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को भी तुलसी घर में लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या रविवार के दिन, साथ ही सूर्यास्त के पश्चात तुलसी को छूना भी वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की भी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएँ। धन्यवाद।